सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में मनीष हॉस्पिटल से वापस आने के बाद फिर से सीधा बिरला हाउस पहुंच गया है, जहां वो काफी इंपॉर्टेंट बात करता नजर आने वाला है। तो आखिर मनीष अभिमन्यु से कौन सी इंपॉर्टेंट बात करते नजर आने वाला है, उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप अभी इस सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देख ही रहे होंगे कि कैसे महाशिवरात्रि का सीक्वेंस चल रहा है, जहां मनीष हॉस्पिटल में है। मनीष के हॉस्पिटलाइज कंडीशन को देखकर गोयनका फैमिली नहीं मनाने का डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा अपने पूरे परिवार को मना लेती है और पूरा गोयनका परिवार महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करता दिखता है, जहां सारे डांस करते भी नजर आते हैं। वहीं इस समय अभिमन्यु को ऐसा लग रहा है कि अक्षरा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए अभिमन्यु महाशिवरात्रि में गुस्से में आकर शिव डंडा करता दिख रहा है। लेकिन सीरियल की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां मनीष बिरला फैमिली से अपने सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए वहां पहुंच गया है। आपने सीरियल के रिसेंट एपिसोड में देखा ही होगा कैसे मनीष कहता हुआ दिख रहा है कि वो अपने जाने से पहले अपने सारे बच्चों को खुश देखना चाहता है। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए बिरला हाउस पहुंचा है, जहां वो अभिमन्यु और उसकी फैमिली से सारा और अक्षरा के लिए रिश्ते की बात करने पहुंचा है। आप सीरियल में देखेंगे कि मनीष खुद ही चाह रहा हो कि जल्द से जल्द अक्षरा और कायरव की शादी हो जाए, और इसीलिए मनीष इस बारे में अभिमन्यु से बात करता नजर आने वाला है। आप सीरियल में अक्षरा और कायरव में किसकी शादी पहले देखना चाहेंगे कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ते का कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।